नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं बाइनरी आइडियाज। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब वाईफाई के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या लाईफाई के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें हम आपको लाईफाई क्या है और लाईफाई काम कैसे करता है और लाईफाई की खोज किसने की और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं लाईफाई क्या है। तो दोस्तों, लाईफाई की खोज प्रोफेसर हेराल्ड हास ने 2011 में किया था। यह भी एक वायरलेस नेटवर्क है। लाईफाई एक हाई स्पीड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। यह वाईफाई की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में लाइट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर होने के कारण इसकी स्पीड करीबन 224 GB होता है, जो कि वाईफाई से करीब 1000 गुना ज्यादा होता है। मतलब यह टेक्नोलॉजी हर जगह उपलब्ध नहीं है, वरना आप कुछ ही सेकंडों के अंदर एक LED बल्ब के नीचे खड़े होकर मूवीज वीडियोज डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यह वाईफाई से कई गुना तेज होता है। इसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी कि VLC का प्रयोग होता है। लाईफाई की मदद से डेटा ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क के बीच में LED लाइट का प्रयोग किया जाता है। लाईफाई का फुल फॉर्म लाइट फिडेलिटी होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं लाईफाई काम कैसे करता है। यह भी सारे इंटरनेट डिवाइसेस की तरह काम करता है। इसमें मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है। पहला है लैंप ड्राइवर, दूसरा है LED लैंप और तीसरा है फोटो डायरेक्टर। इंटरनेट सोर्स लैंप ड्राइवर से जुड़ा रहता है और लैंप ड्राइवर इंटरनेट केबल से इंफॉर्मेशन आती है उसको LED बल्ब के अंदर ट्रांसमिट करता है। उसके बाद LED बल्ब में जो लाइट आती है वह फोटो डायरेक्टर से टकराते हुए फोटो डायरेक्टर में जो बदलाव हो जाते हैं उसे आसानी से पहचान जाता है। अब फोटो डायरेक्टर लाइट सिग्नल्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर प्रोसेस होने के लिए भेज देता है। जिस तरह से लैंप ड्राइवर से होते हुए LED लैंप और उसके बाद फोटो डायरेक्टर से अपना डेटा मोबाइल के पास आता है, उसी तरह उसके विपरीत मोबाइल से वापस डेटा LED लैंप से होते हुए रिसीवर के पास जा सकता है। आप एक लाइट स्पॉट से निकलकर दूसरी लाइट स्पॉट में जाते हैं तो वह ऑटोमेटिकली दूसरी लाइट स्पॉट में स्विच हो जाता है।